हेलो एबीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ गोपाल जी की ड्रेस और देखिए तीन और चार नंबर के गोपाल जी के ईजली ये आ जाएगी और इसको मैंने लिप्स पैटर्न में बनाया है बिल्कुल अलग तरह की बनाई है और देखिए इन जालियों से आप छोटी या बड़ी बना सकते हैं जैसे मैंने ये यहाँ पे आठ जाली डाली हैं आप पांच जाली कर देंगे तो एक नंबर छोटी बन जाएगी और दो जाली और बढ़ा देंगे तो एक नंबर बड़ी बन जाएगी इस तरह से आप इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं और देखिए इसके साथ की मैंने कैप भी बनाई है और यहाँ पे चोली जो है वो मैंने इस तरह की बनाई है ऐसे पहना के आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको ऐसे टाइट करके बांध सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये देखिए सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी तो फंदे यहाँ पे देखिए सिंगल बूल से लेने हैं एक दो तीन चार पांच पांच फंदे मैंने ले लिए अब देखिए यहां पे हम ऐसे ये देखिए यहां पे एक दो दो फंदे हमने उल्टे बुने और दो फंदे हम इधर उल्टे बुनेंगे बीच वाले फंदे पे हम इधर भी जाली डालेंगे ये देखिए और इधर भी तो इधर की जाली हमें ये वाले फंदे उल्टे बुनने हैं तो ऐसे लपेटते हुए इन फंदों को हम बुन देंगे ये देखिए अब हम यहां से पलट लेंगे उल्टी रो पूरा उल्टा ही बुनेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच सात। अब देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे अब यहाँ से हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो देखिए बड़ा हुआ फंदा हम इधर को ऐड करेंगे ये तीन अब इस साइड का फंदा जो है फूल हमारी इधर ही है इधर हम सीधा बुन देंगे तो यहाँ पे देखिए जाली डल गई अब इस साइड हमें उल्टे बुनने हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लपेट लेंगे एक बार और इधर के तीन फंदे उल्टे बना लेंगे ये देखिए अब यहां से हम वापस इसको पलट लेंगे और यहां से देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ पलट लेंगे अब यहां से चार फंदे बनेंगे एक दो तीन चार चार हमने उल्टे बुने अब इसको हम सीधा बुनेंगे बोल हमारी इधर ही है ऐसे सीधा बुना इधर हम ऐसे लपेटते हुए इधर के चार फंदे उल्टे बुन लेंगे ये देखिए और उल्टी रो हम पूरा उल्टा ही बना लेंगे ऐसे इस तरह से देखिए अब देखिए यहां पे देखिए एक दो तीन तीन जाली डल गई हैं अब यहां से एक दो तीन चार पांच ये यह देखिए यहाँ से एक दो तीन चार चार कंप्लीट हो गई पांचवी जाली इस तरह से इधर ऐसे ये देखिए उल्टी रो में कुछ नहीं करना है सिर्फ उल्टा बनना है अब देखिए ऐसे ही हम तीन जालियां और डालेंगे पाँच पाँच जाली डल गई यहाँ पे तीन और डाल के हम फिर दिखाएंगे आगे का ये देखिए यहाँ पे हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ आठ जाली डाल ली हैं अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बीच में फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे तो सीधे साइड से हम ये दो का एक कर रहे हैं उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब इसको भी हम उल्टा बुल लेंगे नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और यहाँ पे दो का एक सत्रह सत्रह फंदे हमारे पास हैं और दो फंदे हमने कम कर दिए तो उन्नीस फंदे तक हमने बढ़ाए थे अब हम घटा रहे हैं इस साइड में कोई फंदा नहीं घटेगा ऐसे ही हम इसको बुनेंगे जैसे हमने एक तरफ से सीधे साइड से फंदा बढ़ाया था वैसे ही हम सीधे तरफ से अब घटाएंगे उल्टे तरफ कोई फंदा नहीं घटाएंगे ये देखिए जाली बंद कर दी मैंने अब बीच में इधर से हमने इसको बना लिया अब देखिए सीधे साइड फिर से आ गए तो यहाँ से हम दो का एक करेंगे ऐसे उसके बाद देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह यहाँ पे दो का तो देखिए ऐसे ही दोनों तरफ एक एक फंदा घटाते हुए हम यहाँ पे तीन फंदे पे आ जाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे ये देखिए दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए हमने लास्ट तीन फंदे तक घटा दिए हैं अब उल्टे तरफ देखिए हम तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे ये देखिए इस तरह से ये कर दिया अब देखिए हम इस बूल को यहां से कट कर देंगे थोड़ा सा हम बड़ा कट करेंगे और इस वाले फंदे में से हम इसको निकाल देंगे तो ये यह यहाँ पे लॉक हो जाएगा इस तरह से और देखिए इस तरह से ये सारे पत्ते बना के कंप्लीट करने हैं बिल्कुल पान के पत्ते की तरह ये दिख रहा है ये यह देखिए यहाँ पे पत्ती बन के कम्प्लीट हो गई अब देखिए हम क्रोसिया की मदद से इसको हम थोड़ा सा अंदर करेंगे ऐसे ये देखिए सारी पत्तियाँ ऐसे ही हम कर लेंगे अब इसको हम यहाँ से बुल को कट कर देंगे ताकि यहां से खुलेगी नहीं है इसको भी हम ऐसे ही अंदर के साइड कर देंगे यहां वाले धागे को ऐसे देखिए थोड़ा सा ले जाना है आपको दो तीन फंदे ये देखिए इसको भी हमने यहां से कट कर दिया ये देखिए इस तरह से हमें ये छह पत्तियां बनानी है तीन पत्ती हम येलो की बनाएंगे और तीन पत्ती पिंक कलर की बनाएंगे तो हम इनको बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको ये देखिए इस तरह से हमने ये तीन पत्ती ये, इसकी येलो की बनाई और तीन पिंक कलर की बनाई तो अब देखिए इनको हम साइड में रखते हैं और हम यहाँ पे आपको चोली के लिए फंदे डाल के और चोली कंप्लीट करके दिखाते हैं देखिए ऐसे ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इस तरह से बाईस फंदे ले लेती हूँ मैं ये देखिए यहाँ पे हमने बाईस फंदे ले लिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह दूनी बाईस बाईस फंदे लेके आप देखिए हम दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे और बिल्कुल सिंपल चोली बता रही हूँ मैं जो बिगनर्स भी इजिली बना सकते हैं तो यहां से फर्स्ट रो हम इसकी उल्टा बुनेंगे ऐसे ये देखिए इस तरह से ऐसे हमने फर्स्ट रो बुन ली है अब इधर से भी हम इसको उल्टा ही बुनेंगे इसको उतारेंगे बुल अपने तरफ यहां से उल्टा बुनते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे अब दोनों तरफ से हमें इसको ऐसे ही बनाना है ये देखिए तो इस तरह से हम सीधे साइड पांच रो और उल्टे साइड चार रो तो टोटल नौ रो बना के फिर दिखाते हैं आप ये देखिए यहाँ पे हमने पांच रो बना ली हैं एक दो तीन चार पांच इधर की चार तो टोटल हमने ये नौ रो बनाई हैं अब दसवीं रो पे हैं उल्टे तरफ जहां से हम सारे फंदे क्लोज कर देंगे ऐसे एक दो तीन चार पांच छ सात इस तरह से हम बंद कर लेते हैं ये देखिए लास्ट तक हमने इसको बंद कर लिया इस फंदे में से हम इस धागे को ऐसे निकाल देंगे तो यहां पे ये देखिए बंद हो गया क्लोज हो गया यहाँ से अब देखिए सेम तरीके से एक पार्ट और बनाना है मुझे चोली के लिए तो देखिए ये मैंने बना रखा है तो यहां से देखिए जो हमने फंदे डाले हैं ये हम बाजू की तरफ रखेंगे दोनों तरफ का ये आप देख के सिलिएगा तो हम यहां से देखिए ऐसे थोड़ा सा इसको सिल देंगे बीच वाला यहाँ से ऐसे इस तरह से इसको हम आधा सिलेंगे ऐसे करके फोल्ड करके देख लेंगे तो इतना ही हम इसको सिलेंगे ये देखिए ये देखिए इस तरह से देखिए आ जाएगी ऐसे यहाँ से हम डोरी डाल देंगे और इस बुल को हम कट कर देंगे यहाँ पे पक्का करके कट करेंगे ये देखिए ऐसे कर दिया इसको और हम हल्का सा अंदर के साइड लाके इस बुल को भी कट करेंगे और इनको भी क्रोसिया से अंदर करके ये यह देखिए यहाँ पे चोली बनके कंप्लीट हो गई यहाँ पे हम क्रोसिया की मदद से इसमें डोरी बना देंगे और देखिए अब हम घेरा सिलना बताएंगे आपको तो सीधा साइड जो है उसको हम ऊपर के साइड करेंगे और देखिए ऐसे रखेंगे इस तरह से एक हम इस तरह से रखेंगे घेरा आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा बीच में रख सकती हैं तो देखिए इस तरह से रखनी सारी सीधी है और देखिए यहां से ऐसे इसको हम यहां से थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे बाकी ये सभी ज्वाइंट कर देंगे तो देखिए इस तरह से हम ऐसे उठाएंगे और यहाँ से ये यह देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात यहाँ से भी हम रो ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात ये देखिए सातवीं रो पे हम ऐसे रख के इसको इस तरह से देखिए यहाँ से सिलेंगे और टाँका हमें इस तरह से लेना है जो इधर दिखाई ना दे सीधे साइड थोड़ा सा लेना है ऐसे यह देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा यहाँ पे हम पक्का कर देंगे ये देखिए इस तरह से हम ये सारी पत्तियाँ सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से हमने घेरा सिल लिया है यहाँ से हमने खुला रखा है और देखिए ये होल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं छोटा या बड़ा अब हम यहाँ पर एक डोरी डालेंगे जो हम क्रोसिया से बनाएंगे आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं रस्सी की तरह ये देखिए इस तरह से हम चैन चैन बना के इसकी डोरी बनाएंगे और लास्ट में और एंडिंग में इसमें हम पोम पम लगा देंगे इस तरह से डोरी आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं जिस तरह से आप पहनाना चाहें ये देखिए इस तरह से हम डोरी बना लेते हैं ये देखिए डोरी हमने बना ली है यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे अब देखिए यहाँ पर भी हमें डोरी एक बनानी है बांधने के लिए चोली में तो इसके लिए हम देखिए यहाँ से इस तरह से एक फंदा इसमें बना लेंगे और यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे ताकि एक यहाँ से धागा खींचे नहीं या फिर आप इस तरह से कैसे पकड़ के इसी में इसको निकाल दें ऐसे तो यहाँ की भी ये डोरी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं ये देखिए इस तरह से जितनी ज़्यादा बड़ी इसको नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ पे छोटी सी नॉट लगानी होगी आपको तो देखिए ऐसे बनाने के बाद हम यहाँ पे एक पफ बना देंगे ये देखिए इस तरह से ताकि यहाँ पे ये देखने में दोनों तरफ से अच्छी लगे ऐसे देखिए अब इसको हम कट कर देंगे यहाँ से और देखिए बुल को हम ऐसे करके हम इसमें ही अंदर ऐसे कर देंगे ताकि यहां से फिनिशिंग के साथ ऐसे आ जाए ये देखिए यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे धागे को और इस तरह से देखिए इधर की भी हम ये डोरी बना लेंगे और देखिए इस तरह से पहनाने के बाद यहाँ से ऐसे ये बन जाएगी और यहाँ से हम ये अलग से बना रहे हैं आप इसमें जॉइंट भी कर सकते हैं यह ये देखिए यहाँ पे ये यह ड्रेस कंप्लीट हो गई अब देखिए हम कैप बनाएंगे तो कैप के लिए हमने यहाँ पे बाईस फंदे लिए हैं जितने फंदे आप चोली में ले रहे हैं छोटा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से कैप भी छोटा बनाइएगा और ये पत्ती में जितना फंदा आपने जिस तरह से छोटा या बड़ा करना है तो जाली से आप कर सकते हैं तो यहां से देखिए फर्स्ट रो हम इसकी उल्टा बुन लेंगे ऐसे तो यहां पे हम तीन रो इसकी बनाएंगे पिंक कलर की और दो रो इसकी बनाएंगे ये देखिए येलो की तो इधर से हम ये रो कंप्लीट करते हैं एक इधर से करते हैं ये देखिए दोनों तरफ की तीन रो हमने बना ली हैं। अब यहां से हम दो रो इसकी येलो की बनाएंगे ऐसे एक इधर से उल्टी और एक उधर से उल्टी फिर हम पिंक से बुनेंगे इसको इस तरह से तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं इधर से उल्टी और इधर से दो रो हमने कंप्लीट कर ली अब देखिए हम यहां से पिंक कलर से बुन देंगे ये देखिए और इधर से भी हम उल्टा बुनेंगे फिर दिखाएं ये देखिए यहां पे चार रो हमने फिर से पिंक की कंप्लीट कर ली है अब देखिए यहां से हमने इन फंदों को ऐसे ये देखिए सारे फंदे हम इस सुई में ले लेंगे ये देखिए ये फंदे हमने ले लिए और इसको हम यहां पे इस फंदे ऐसे निकाल देंगे जो धागा ये हमने इधर से निकाला है वहीं से ये देखिए ये टाइट कर देंगे तो देखिए कितनी प्यारी सी ये कैप बन के कंप्लीट हो जाएगी अब हम यहीं से इसको ऐसे सिल देंगे देखिए आप हर एक साइज में इसको बना सकते हैं ये देखिए इस तरह से इसको मिलाते हुए आपको सिलते जाना है यहाँ पे देखिए हम ऐसे पक्का करेंगे ताकि यहाँ से खुले नहीं इस तरह से यहाँ से एक बार हम अंदर के साइड थोड़ा सा ले आएंगे इसको और इस बुल को हम यहाँ से कट कर देंगे ये देखिए ऐसे अब देखिए हम सीधा करके भी आपको दिखा देते हैं ये देखिए इस तरह से देखिए कितनी प्यारी कैप ये बन के कंप्लीट हो गई है ऐसे देखिए